डॉक्टर साहब, मिर्गी रोग कैसे होता है और क्या ये अनुवांशिक बीमारी है? ये मिर्गी रोग जो है नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है। इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन की है उसमें चेंजेस शुरू हो जाते हैं और उसमें दौरे आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। प्राचीन समय में इसको माना जाता था भूत प्रेत से संबंधित बीमारी है। धीरे धीरे रिसर्च होने लगी तब पता लगने लगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन की नॉर्मल, उसमें चेंजेस हो गए, चेंजेस की वजह से होगा। अभी भी इसका कोई कारगर नहीं है इलाज और इसमें एकदम से झटके आने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, ठीक है, और सडन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो जाती है ऐसे मरीज। और इसमें स्यूडो सीजर से इसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मान लिया अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस है, तो उसमें भी झटके आने लगते हैं। अगर कोई स्ट्रोक है, सेरेब्रल हेमरेज है, सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन है, या ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस है, या हाइपरपायरेक्सिया है, इसमें भी सीजर आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, तो इसको भी इपिलिप्सी यानी मिर्गी से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वो स्यूडो सीजर है, ये रियल सीजर है। इसके लिए मरीज को इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि जैसे CBC, LFT, KFT, हेमेटोलॉजिकल और EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, CT स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैनिंग, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये कराने चाहिए। और आयुर्वेद के मतानुसार अगर देखा जाए तो इसमें जो ब्रेन पे काम करती हैं औषधियाँ वो लेनी चाहिए, जैसे ब्रह्मी बटी, जटामांसी चूर्ण, सारस्तारिश, इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए कि मिर्गी है कि नहीं मिर्गी है। साथ में प्रिकॉशन भी लेने चाहिए, जैसे जहाँ पे आग चल रही हो, रेलवे की पटरी हो, पास में तालाब हो या नदी हो, ठीक है, या कोई करंट हो बिजली का, ऐसी जगहों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी उसको बचाया जा सके। साथ में उसको ये चाहिए कि एक अटेंडेंट लेकर के चले, अकेले में नहीं चलना चाहिए। अकेले में मान लिया मिर्गी आती है तो अनअटेंडेंट पड़ा रहेगा, सही समय पे सही उसका इलाज हो सके, इसलिए अटेंडेंट को लेकर के चलना चाहिए।